गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग कटिंग टूल्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस वेरियस कटिंग टूल मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। टुडे वी विल डिस्कस ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या है कि एक सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल है उसमें एक ही पॉइंट होता है जिससे कटिंग होती है, एक सिंगल पॉइंट होता है। एग्जाम्पल इसके हैं जैसे टर्निंग है, प्लेनिंग है, शेपिंग है, ये सब क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। आप लोगों ने लेथ मशीन पर काम भी किया होगा, उस पर जो टूल जनरली हम यूज करते हैं टर्निंग, टेपर टर्निंग के लिए, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। अब देखिए, इसकी ज्योमेट्री को समझ लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, इसलिए मैंने अलग अलग ड्रॉइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो मशीनिंग प्रोसेस होता है उसमें टूल और वर्क पीस के बीच एक रिलेटिव मोशन होती है। जनरली टूल जो होता है वो हार्डर मटेरियल का होता है एज कम्पेयर टू वर्क पीस, और इस रिलेटिव मोशन की वजह से जो मटेरियल है वो रिमूव होता है चिप्स की फॉर्म में, छोटी छोटी चिप्स बनती हैं, उसी को हम लोग मशीनिंग बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, ये एक सिंपल एक वर्क पीस है, ये एक टूल है, और इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रही है और यहाँ पे चिप फॉर्म हो रही है। ओके, ये एंगल अल्फा है, इसको रैक एंगल बोला गया है, ये शियर एंगल एफ आई, और ये वाला एंगल डेल्टा है फ्लैंक। अब इसको हम आगे समझेंगे कि ये किस एंगल को क्या बोला जाता है। सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के कौन से पार्ट्स होते हैं वो समझ लीजिए। ये देखिए, यहां पर दिखाया गया है जो सिंगल पॉइंट टूल है उसका जो मेन पार्ट है एक होता है शैंक। ओके, शैंक जो है इसकी मेन बॉडी है जिसको हम किस में होल्ड करते हैं, टूल होल्डर में। उसके बाद एक होता है इसमें रैक फेस। जो रैक फेस है उस फेस पे जो चिप्स हैं, जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो फ्लो होता है, ये मेन पार्ट है इसका। उसके अलावा इसमें एक फ्लैंक पार्ट होता है जो इससे नीचे होता है, जस्ट एडजेसेंट होता है कटिंग जो एजेस हैं। देखिए, दो कटिंग एजेस होती हैं इसमें, प्रिंसिपल कटिंग एज ये वाली दिखाई गई है और साइड कटिंग एज। इनको कुछ टर्म्स में प्रिंसिपल की बजाय साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज भी बोला जाता है, या इसको बोला जाता मेजर यानी मुख्य कटिंग एज और ये माइनर। ये दोनों जहां पर ज्वाइंट होती है उसको बोला जाता है नोज, और इस रेडियस को बोलते हैं हम लोग नोज रेडियस। तो इसी के आधार पर, इसी के बेस पे दो फ्लैंक फेसेस भी होते हैं, एक प्रिंसिपल फ्लैंक फेस और एक ऑक्सिलरी यानी एक मुख्य और एक सहायक फ्लैंक फेस। ओके, तो ये टूल की कंस्ट्रक्शन है सिंपल। अब इसमें देखिए एंगल समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो कटिंग टूल के कौन कौन से एंगल हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें देखिए, यहां नीचे इसी को हमने अलग अलग दिखाया, ये वाला जो पार्ट है ऊपर का इसको हमने यहां पर दिखा दिया है। ओके, पहले इसी को शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने अभी बात की, ये दो कटिंग एजेस हैं। कौन कौन सी कटिंग एजेस हैं? साइड कटिंग एज है ये वाली, और ये ऑक्सिलरी कटिंग एज है या एंड कटिंग एज। इसी के आधार पर ये दो एंगल हैं, एक साइड कटिंग एज एंगल है और एक एंड कटिंग एज एंगल है। तो साइड कटिंग एज एंगल क्या है? एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज यानी ये वाली साइड कटिंग एज एंड द लाइन एक्सटेंडिंग द शैंक यानी ये जो लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं हम शैंक से, इसके बीच का जो एंगल है वो साइड कटिंग एज एंगल है। इसी तरह से एंड कटिंग एज एंगल क्या है? एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज यानी ये वाली जो एंड कटिंग एज है एंड द लाइन पासिंग थ्रू द टिप ऑफ टूल परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस, यानी कि ये कटिंग एज और जो लाइन परपेंडिकुलरली जो हमारे टूल का एक्सिस है उससे पास हो रही है, उसके बीच का एंगल क्या है? एंड कटिंग एज एंगल। ओके, इसी तरह से देखिए, यहां पर ये एक यहां पर ये फ्लैंक फेस है, इसको बोला गया है साइड या प्रिंसिपल फ्लैंक फेस। तो इसके बीच का जो एंगल होगा ये वाला, इसको बोला जाता है साइड रिलीफ एंगल। ओके, और ये क्या होता है? एंगल बिटवीन द साइड फ्लैंक यानी ये जो साइड फ्लैंक है एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस, ये टूल एक्सिस है हमारी ऐसे, और इसके जो परपेंडिकुलर टू द लाइन है पासिंग थ्रू द
लाइन पासिंग थ्रू द टिप, और ये बेस जो है हमारा इसके परपेंडिकुलर होता है, ये जो बेस है ये क्या होगा हमारा साइड रिलीफ एंगल होगा। ओके इसी तरह से साइड रैक एंगल होता है, साइड रैक एंगल होगा एंकल बिटवीन द रैक फेस, यानी ये वाला जो फेस है हमारा रैक फेस एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस, ये टूल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन है पासिंग थ्रू द टिप, ये वाला, यहां आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये साइड रैक एंगल है और ये साइड रिलीफ एंगल है। इसी तरह से जो बैक रैक एंगल है, एंगल बिटवीन द रैक फेस, ये रैक फेस है एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस पासिंग थ्रू द टिप, ये वाला, इसको हमने यहां पे शो किया हुआ है बैक रैक एंगल, ये नोज रेडियस है। तो ये इस तरह से जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के कौन से पार्ट्स हैं, मैं दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूं, शैंक होता है, फेस होता है, दो कटिंग एजेस होती हैं, एक साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज, इनको प्रिंसिपल कटिंग एज और ऑक्सिलरी कटिंग एज भी बोला जाता है, दो फ्लैंक फेस होते हैं, प्रिंसिपल फ्लैंक फेस, ऑक्सिलरी फ्लैंक फेस और एक नोज, यानी ये कुल मिला के आपके सात जो हैं, सेवन पॉइंट्स हैं, जो सेवन पार्ट्स हैं कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, उन्हीं के आधार पर ये एंगल्स ड्राइव किए गए, साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इसी को हमने साइड फ्लैंक प्रिंसिपल फ्लैंक फेस या साइड फ्लैंक फेस बोला है, एंड रिलीफ एंगल, इसको क्लियरेंस एंगल भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग एंगल्स हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू।